पलवल के नेताजी खेल स्टेडियम में हर साल मनाए जाने वाले विजयी दशमी पर्व पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। यहां इंडोर स्टेडियम के लिए हो रहा निर्माण कार्य अब यहां न होकर दूसरी तरफ होगा। नेताजी खेल स्टेडियम पहले की तरह ओपन खेल ग्राउंड रहेगा। यह आश्वासन डीसी डॉक्टर मनीराम शर्मा ने कांग्रेस के विधायक करण दलाल और श्री सनातन धर्म दशहरा कमेटी को दिया है। यह जानकारी देते हुए दशहरा कमेटी के प्रधान सुशील कथूरिया ने बताया कि डीसी ने मौके का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि इंडोर खेल स्टेडियम की जगह बदली जाएगी। उन्हें बताया गया कि 60 सालों से यहां विजय दशमी पर्व मनाया जा रहा है। उनकी अपील पर प्रशासन ने सुनवाई की है। डिप्टी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई तो यहां जो ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के एक्सीएन साहब आए हुए हैं, ये यहां बिल्डिंग का दौरा करने आए हुए थे, तो इसी दौरान हमें मालूम पड़ा तो हम यहां आए, तो डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दीपक मंगला राजनीतिक सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, उनसे भी हम बार बार इस बात में टच में हैं कि ये पलवल के लिए एक जो एक ग्राउंड बचा हुआ है इसको बचाया जाए, जहाँ पर ये राजनीतिक फंक्शन होते हैं, सामाजिक फंक्शन होते हैं, खासकर दशहरा जो एक पलवल का मशहूर त्यौहार है जिसमें ये पूरा ग्राउंड लगभग दशहरे के दिनों में भरा होता है त्यौहार पर, तो हमने रिक्वेस्ट कई दिनों से लगे हुए हैं, ये प्रधान जी हैं हमारे दशहरा कमेटी के, और यहाँ जितने सैर करने वाले लोग होते हैं सवेरे वो बड़े इस बात से दुखद हैं कि ये जो ये बिल्डिंग बनती जा रही है, सारा जंगल ख़त्म होता जा रहा है, पलवल में एक ही जगह है, इसके पीछे हमने ये रिक्वेस्ट करी तो आज हमें यहाँ पर उन्होंने इस मामले में हमारा मनोबल भी बढ़ाया डीसी साहब ने कि भाई आप चिंता ना करें, तो ये एक दूसरी लेफ्ट में जगह है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, इसको ये चुना है इस मामले में, तो इसके जो डायमेंशन वगैरह ये नहीं है। आप जो विजयदशमी पर्व है रावण दहन है इसी जगह पर करेंगे जहाँ पर आप पहले मनाते रहे हैं, वो या चेंज करेंगे जगह? नहीं, इसी जगह करेंगे। अच्छा, तो यहाँ कोई हमारा इस तरीके से कोई भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक ये मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। कितने सालों से आपका विजयदशमी पर्व मनाया जा रहा है इसी जगह पर? लगभग 65 सालों से। तो आप आश्वस्त हैं कि प्रशासन आपकी बात सुनेगा? बिल्कुल प्रशस्त हैं। आज यहाँ करण सिंह दलाल भी सैर करने आए हुए थे, वो भी हमें मिले, अचानक ही मुलाकात हुई डीसी साहब से भी, उन्होंने भी पूरा सहयोग किया, उन्होंने भी डीसी साहब से इस मामले में को देखने के लिए ठीक किया ये जगह शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, तो ये दशहरा ग्राउंड की जगह है? ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ कई सालों से यहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है जो विजयदशमी को पर्व होता है, तो ग्राउंड के लिए आपसे मिले हैं लोग? आपसे ग्राउंड के लिए मिले हैं आपसे लोग? तो क्या आप आश्वासन दिया आप लोगों ने, प्रशासन ने? प्रशासन ने दिया कि शिफ्ट इस जगह को शिफ्ट कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग लेआउट कर रहे हैं, और जैसे ही इसका प्लानिंग लेआउट फिट बैठता है उसके बाद बता देंगे एडजस्ट। नहीं, ये जगह मतलब चेंज हो जाएगी फिर या फिलहाल क्या बन रहा है यहाँ पर? गौरतलब है कि यहाँ निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन सक्रिय था, यहाँ काफी मिट्टी भी डाली गई थी। मिट्टी के ढेर जमा हो जाने के बाद यहाँ खेलने के लिए आने वाले बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में खेल के लिए यही एकमात्र बड़ा ओपन स्टेडियम है। आज मैं जब यहाँ इवनिंग वॉक करने के लिए आया तो मैंने देखा डी साहब खड़े हुए हैं, तो मैं सीधा चंडीगढ़ से ही आ रहा हूँ, और चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा में कमेटी ऑन पटिशंस है, उसमें हम एक दरख्वास्त चौधरी छत्रपाल पूर्व वाइस चेयरमैन नगर परिषद पलवल की तरफ से लगा करके आए हैं कि भाई ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स है ये स्कूल के अंदर बिना इजाज़त, बिना लोकल अथॉरिटीज से, म्यूनसिपल काउंसिल से नक्शा पास कराए या इसका CLU करे बिना भवन का निर्माण नहीं हो सकता, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने इंडोर स्टेडियम अगर बनाना है तो घुघेरा के अंदर हमने वहाँ जगह मुकर्रर की हुई है, सरकार वहाँ जा कर के बनाए। अब ये एक अकेला इतना बड़ा विशाल ग्राउंड है जहाँ तमाम शहर के नौजवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएँ बहनें सवेरे और शाम लोग सैर करने आते हैं, बच्चे यहाँ खेलने कूदने का अभ्यास करते हैं, और ये ना तजर्बेकार सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर के हमारे पलवल की सुंदरता को ख़राब करने में लगे हुए हैं, जहाँ 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त का सरकारी कार्यक्रम होता है, और हमारे इलाके का सबसे बड़ा पर्व दशहरा का पर्व
जहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है वो सब यहाँ इकट्ठे होकर के और दशहरा का पर्व मनाते हैं। तो सरकार लोगों की जनभावनाओं की कदर ना करके जो ये इस तरह का ये गैरकानूनी काम कर रही है, तो उसके लिए आज डी साहब को हमने बताया कि ये गैरकानूनी है और इस तरह से ये निर्माण नहीं हो सकता जब तक की इजाज़त ना हो। दलाल साहब, ये बेसिकली ग्राउंड है, खेल स्टेडियम है, नेताजी खेल स्टेडियम है, इसकी बुनियाद भी आपकी बंसीला सरकार में आप ही ने रखी थी। ये खेल स्टेडियम है स्कूल के लिए, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। ये शिक्षा विभाग का सुभाष चंद्र बोस का जो ये स्टेडियम बना था, मैंने बनवाया था। हाँ जी, वही मेरे को याद, स्कूल की तरफ से बनवाया था। ये स्पोर्ट्स महकमे की जमीन इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक इंच भी नहीं है। इसी तरीके से जब चौटाला जी की हुकूमत थी, उन्होंने यहाँ सिविल सेक्रेटरी बनाने का पत्थर लगाया था, हमने उसको बड़ी मुश्किल से रोका और नया सचिवालय बाहर लेकर के गए। तो आपकी क्या बात हुई है डीसी सर से? डी साहब से हमारी भी और सारे हमारे शहर के मौजूद जो साहिबान हैं सबकी ये बात हुई है। और अच्छी बात ये है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। पलवल में सभी राजनीतिक दल या सामाजिक कार्यकर्ता या जो गैर राजनीतिक लोग हैं वो इस बात से सहमत हैं कि इंडोर स्टेडियम इसके अंदर नहीं बनना चाहिए। और आज डी साहब खुद ये मान करके गए हैं, पीछे उन्होंने जगह जो मुकर्रर की है हमने उसको सहमति दी है। और आज पहली दफ़ा उन्होंने ये उनको इनकार किया है कि भाई इस काम को करने से रोक दिया जाए, तो हमें इस बात की बेहद खुशी है, वरना तो हम सब के लिए बहुत परेशानी का ये सबब बना हुआ था।